एक दूजे के वास्ते जल्दी आओ ना शवन चलो ना तुम इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हो यार मुझे ना डर लग रहा है अगर अंकल को शक हो गया तो कुछ पूछ लिया तो यार तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ प्रॉमिस याद है ना अगर कोई भी मुश्किल आए तो कस के हाथ पकड़ लेंगे आज इतने दिनों बाद आपको मेडल्स पहनाए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आपका सब सामान रेडी है या नहीं देख कर आती हूँ हाँ गुड मॉर्निंग अंकल वेरी गुड मॉर्निंग अच्छा वो तुम लोग टाइम पर आ गए कैसे हो श्रवण मैं अच्छा हूँ सर आप कैसे हैं मैं भी अच्छा हूँ इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे क्लास में अचानक क्यों आना बंद कर दिया एक्चुअली मुझे पता है कि आपके और पापा के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं मुझे लगा कि अगर मैं शायद वो एक बात बताओ बाई चांस अगर तुम्हारी और सुमन की लड़ाई हो जाए तो क्या उसका असर मुझ पर और देवराज पर भी पड़ेगा नहीं तो फिर मेरे और देवराज के बीच में जो भी है वो हमारे बीच में है उसका असर बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें आना चाहिए था क्लास में सॉरी सर मेरी गलती है कोई बात नहीं लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने क्लास में ना आने के बावजूद भी क्लास में सीखे हुए सबक को याद रखा और काम को अधूरा बीच में नहीं छोड़ा वेरी गुड थैंक यू सर तुम्हारी रिपोर्ट देखी मैंने पूरे नोट्स कंप्लीट है और ड्रिल प्रोजेक्ट्स और वो फिजिकल एक्सरसाइजेस के वीडियोस भी देखे मैंने बंटी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है काफी मदद करता है वीडियोस बनाने में मैं आया एक मिनट बाकी सब स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स मैंने घर भिजवा दिए हैं लेकिन तुम दोनों को यहां बुलाने की एक खास वजह थी वो पापा उसमें मैं सुमन बेटा तुमने हमेशा मेरा सर ऊंचा किया है श्रवण तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूं बहुत इंप्रेस्ड हूं मैं चाहता तो ये रिजल्ट घर पे भी भिजवा सकता था लेकिन मैं चाहता था कि ग्रुप स्टडी के बेस्ट मेल और फीमेल कैंडिडेट को मैं खुद कांग्रेचुलेट करूं कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सर थैंक यू मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं सब इसमें लिखा है इसी तरह से खूब मेहनत करो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो थैंक यू सो मच सर पता नहीं आपने मुझे क्या देखा पर आपने मुझे हमेशा एनकरेज किया मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू मैं आपको और सुमन को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा मेहनत करो खूब नाम कमाओ ताकि तुम्हारे परिवार और देश को तुम पे गर्व हो थैंक यू सर अभी मैं निकलता हूं आपका सामान रेडी है हाँ सी यू बेटा
हाथ ही इतनी बड़ी थी। कोई बात नहीं, देवराज भाई साहब के साथ इतनी अनबन होने के बावजूद भी आपने श्रवण के टैलेंट और उसकी मेहनत की कद्र की, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ाई, देखा ना आज कितना खुश था वो। क्योंकि इसमें श्रवण की कोई गलती नहीं है अंजलि, माँ बाप की एक सजा बच्चों को क्यों मिले। और जहां तक देवराज की बात है तो मैं काम और रिश्तों को मिक्स नहीं करता हूँ अंजलि। अगर देवराज ने सब काम कायदे से किया, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया, पेपर वर्क पूरा किया, तो मैं डील के पेपर पे साइन कर दूंगा। ध्यान रखिए। हाँ, यू आल्सो प्लीज टेक केयर। भी नहीं बोला और चले गए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना तो जितनी बात करनी हो कर लेना, ओके? प्लान के हिसाब से सब करना और बस इतना ध्यान रखना कि विजय यहाँ टाइम से नहीं पहुंचना चाहिए। आप ज्यादा ही घबरा रहे हैं मल्होत्रा साहब, काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग कर्नल साहब, हाउ आर यू? बस आई एम फाइन। आर्मी की तरफ से हमारी टीम फिक्स कर दी गई है जो इस डील पर आपसे बात करेगी। जी सर। बस अब कर्नल तिवारी आकर हैंडओवर ले लें, फिर उन्हें पेपर्स पर साइन करके आपके प्रोडक्शन को अप्रूवल देना होगा। कब तक आएंगे कर्नल तिवारी सर? हाँ, 10 मिनट में आते ही होंगे, तब तक चाय पीते हैं। ठीक है सर। सबसे कितने अच्छे से मिलके गए पापा, बस मैं ही रह गई। हमारे पास एक ऐसी चीज है जो और किसी के पास नहीं, अंकल के लेटर। एक मिनट। चलो ठीक है, पहले मैं पढ़ता हूं। My most favorite cadet. आपने अचानक ब्रेक क्यों लगाई? सर अचानक ब्रेक नहीं, गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई और आपको भी थोड़ा सेंस रखना चाहिए, आपने गाड़ी ठोक दी। आप सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रहे थे, पता है आपको? सर गलती किसी की हुई, आप बस हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए और कोई बात नहीं है अभी। ठीक है बस। आओ, बैठो गाड़ी में पीछे। जरूर कोई बड़ी बात होगी, वरना कर्नल तिवारी कभी इतने लेट नहीं होते। एक बात बताओ मिस्टर मल्होत्रा, मैं चाहता था कि कर्नल तिवारी हैंडओवर लें और फिर पेपर्स पर साइन करें, लेकिन अब लगता है पेपर्स मुझे ही साइन करने पड़ेंगे। जैसा आप ठीक समझे सर। तुमने एक बार फिर अपने आप को साबित कर दिखाया और अपने लिए तो मैं हमेशा कहता था कि कोशिश करूंगा कि अच्छा ऑफिसर बनूं, पर तुम्हारे लिए बहुत यकीन से कह सकता हूं कि तुम बहुत काबिल ऑफिसर बनोगे। हमारे परिवार के लेगेसी को बहुत आगे ले जाओगे और सिर्फ जिम्मेदारी समझ के नहीं बल्कि पूरे दिल से। बस अपने बारे में ये दो बातें कभी मत भूलना, एक तुम्हारा डेडिकेशन और दूसरा तुम्हारा दिल। दिल बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब पहले वाली बात सही नहीं है। पढ़ो। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू कर्नल खान, थैंक यू सो मच। ये लीजिए। So sorry, Colonel Khan. Actually, मैं रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो I was stuck. All well? Yeah, all well. So, where are the papers? दरअसल हमने काफी वेट किया, लेकिन इंटरिम कमांडिंग ऑफिसर होने के कारण मैंने ही साइन कर दिए। अब आप अपने दोस्त को मुबारकबाद दीजिए, अपने 5 मिनट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को कैप। Congratulations. Thank you, Colonel Tiwari. एक्चुअली मैं दो लड़कों को एडमिट करवाया था अभी। आपके पेशेंट ने डॉक्टर को चेकअप भी नहीं करने दिया, बल्कि आपके जाते ही यहाँ से झगड़ा करके निकल गए। ओके।
देवराज, तुम्हारा दिल जो सही और गलत में फर्क जानता है, बस कभी किसी इमोशन, किसी इंसान या सिचुएशन को सही और सच के ऊपर मत रखना। यानी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, बस दिल की सुनो और अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाने में कभी मत घबराओ। ऑल द बेस्ट, सुमन तिवारी। अब मेरी टर्न। ये नकली एक्सीडेंट तुमने करवाया? तुम्हें पता था कि अगर मैं लेट हो गया तो कर्नल खान साइन कर सकते हैं, उनके पास पावर है। डर था कि अगर पेपर्स मेरे हाथ में आ गए तो मैं साइन नहीं करूंगा, इसलिए चली तुमने ये घटिया चाल। कौन सा एक्सीडेंट? आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ मांग रहे हो? मतलब तुम ही ने करवाया था। तुमने ये शर्मनाक हरकत करके हमारे बीच में जो भी बचा कुचा रिश्ता था उसे भी खत्म कर दिया। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। कल साहब, उम्मीद और भरोसे की बातें कम से कम आप तो मत ही करिए। और रही बात एक्सीडेंट की, तो मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, तुम्हारी ये वेस्ट की प्रोडक्शन जिस स्टेज पर भी हो, अगर मुझे लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ भी मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो मैं वो प्रोडक्शन वहीं रुकवा दूंगा। बहुत जल्द मेरा पहला कंसाइनमेंट आपके सामने होगा। कोशिश करने पर भी आपको कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसे काम करता नहीं। मैं एक असूलों वाला बिजनेसमैन, इसीलिए आपके खोखले प्रिंसिपल्स आपको मुबारक और मेरा बिजनेस मुझे। एक्सक्यूज मी डियर श्रवण, मैंने तुम्हें कई बार कहा है और आज फिर कहूंगा, तुम में एक स्पार्क है, एक जज्बा है जो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। चाहे तुम कोई भी फील्ड चुनो, मुझे नहीं पता तुमने आगे का क्या सोच रखा है, मगर तुम में एक अच्छा ऑफिसर बनने के सारे गुण हैं। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ। ऑल द बेस्ट श्रवण मल्होत्रा। कितना अच्छा होता ना श्रवण, अगर तुम्हारा सपना भी आर्मी ज्वाइन करना होता। थैंक यू। किससे चैट कर रहे थे? अरे बंटी की फालतू वाली बातें, कुछ नहीं है। तुम क्या कह रही थी? मैं तो बस यही कह रही थी कि काश तुम भी आर्मी ज्वाइन कर। एक्चुअली मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया। प्लान नहीं किया मतलब? तुमने उस यूएस वाली यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई किया था ना, वैसे उनका कोई जवाब आया अभी तक? नहीं, वो एक्चुअली मेरा एडमिशन नहीं हुआ यार, एंड तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम आर्मी दुखी हो जाती। तुम जाते तो दुखी हो जाते। हाँ? मैं बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्स पे ध्यान देते हैं, बात का बाद में सोचेंगे, एक साथ मिलकर। हाँ? वैसे एग्जाम की नेक्स्ट मेरा बर्थडे है। पता है मुझे, तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स। और इस बार कुछ सुपर स्पेशल करेंगे, आखिर सुवन के बाद ये तुम्हारा पहला बर्थडे जो है। मतलब कि तुम्हारे साथ मेरा पहला बर्थडे। क्या करने का प्लान है? अभी नहीं, बाद में सोचेंगे। और ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके?
हाँ श्रवण यार, तुम तो एग्जाम्स के बाद छुमंतरी हो गई हो का भाई? तुम कहीं नहीं, यही हूँ। अरे यही कहीं नहीं, सीधा अड्डे पे पहुँचो। अरे अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ श्रवण। प्लीज मिल लो ना यार। अरे मिलूंगी ना, रात को 12 बजे। ठीक, तुम्हारे बर्थडे पे सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आओगे ना सुमन कॉर्नर पे? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं मिलूंगा। अरे पर उस वक्त फ्री होगे तुम? आई मीन फैमिली के साथ तुम्हारे कोई प्लान्स तो नहीं है क्या? हर साल की तरह घोड़े बेच के सो रहे होंगे मेरे फैमिली वाले। तुम ना चिंता मत करो, इस साल बर्थडे तो मैं तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा, वो भी तुम्हारे स्टाइल में। ऑसम। अच्छा पर सुमो, सरप्राइज क्या है ये तो बता दो यार। बाय श्रवण। हेलो। ओह गॉड सुमन, श्रवण से बात करते टाइम तो तुझे बिल्कुल डर नहीं हो रहा था, करवा क्यों रही है तू? कल तक तो टैटू से बड़ी छेड़ती तुझे। क्योंकि सुमन तिवारी अब बदल रही है कंचा। दर्द भी तो देखना कितना हो रहा है सुमन। अरे श्रवण की खुशी के लिए इतना दर्द तो सह ही सकती ना मैं कंचा। तू देखना ये मेरा सरप्राइज देख के ना डांस करने लगेगा वो। अरे बस रॉकेट की तरह उड़ता रहा हूँ तुम्हारे पास अपना सरप्राइज देखने के लिए। अच्छा तो फिर जल्दी आओ, बस 10 सेकंड में तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट हो जाए। अरे तुम गिनना तो शुरू करो, तुम्हारी गिनती खत्म होने से पहले मैं खड़ा मिलूंगा। ओके 8 7 6 5 4 3 2 1 कितने चला भाई हैं? बर्थडे के दिन भी घर पे नहीं टिकेगा क्या? हम सारे इकट्ठे हुए हैं तेरा हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए और तू है कि ऐसे सेंट शेंट ला के राजा बाबू बन के घूमने चला है, कहाँ जा रहा है? अरे वो आंटी जी क्या है ना, आज इसका स्पेशल डे है और सब इकट्ठा भी हुए तो हमने सोचा कि हमारा भाई अगर स्मार्ट नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसीलिए हम ही ने इसको कहा कि राजा बाबू मतलब तैयार है जाने के लिए। अच्छा गेस कर, किसने सोचा होगा इस तरह तेरा बर्थडे प्लान करना है कि तुझे कई दिनों तक याद रहे? बोल बोल गेस कर, तेरे पापा ने बुद्धू। हाँ यार आज तो बनता है ना अपने पुत्र के लिए पार्टी प्लान करना। इम्तिहान खत्म हो गए, अब धमाल नहीं करेगा तो कब करेगा? और फिर भी वो चाहता है कि देश में पुत्र की लास्ट बर्थडे पार्टी यादगार रहे। मैं समझा नहीं पप्पा, लास्ट बर्थडे मतलब? ओए तू अपने सपने पूरे नहीं करना चाहता? भाई तू अमेरिका चला जाएगा तो हम थोड़ी ना आ पाएंगे वहां। वो पापा वो मेल आया था मुझे। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, वहाँ उन्हें कोई गलत फहमी हो गई थी, मेरी बात हो गई हूँ। हाँ तो भाई सब लोग, आज मैं सब लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि मेरा बेटा श्रवण अमेरिका जा रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.